Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. आज की वीडियो IIT JAM Chemistry Aspirants के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 मिस्टेक्स जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमिट नहीं करनी है। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं पूरी तो आप ज़रूर करके आएंगे और आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है कि काफ़ी लोग या काफ़ी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इफ़ दे सी अ क्वेश्चन बट सीधे सोचेंगे, दे विल थिंक एंड सीधे ए बी सी डी में से कुछ भी लगा दिया कि हाँ ये तो नेम रिएक्शन है, ये तो ये रिएजेंट है, ये यही हो रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कुछ भी हो जाएगा। कहीं से आप जहां अटैक सोच रहे हो वहां से नहीं हो रहा होगा। आपको बिना पेन चलाए बिना मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। ऑलवेज रिमेंबर, बिना पेन चलाए बिना पूरे डिटेल मैकेनिज्म के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन डेफिनेटली गलत सॉल्व करके आओगे। बात समझ में आई? चलिए भाई, सेकेंड मिस्टेक होती है कि काफ़ी सारे बच्चों को बस एक ही चीज़ दिखती है, OH माइनस दिख गया, देख लेंगे कोई नहीं, एक जगह का प्रोटॉन देख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करा देंगे, नहीं लगेगा कि ये एसिडिक है, यहाँ पे करा दो। आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, क्या ये अटैक भी कहीं कर सकता है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है तो कहाँ पे जाके प्रोटॉन निकालेगा, सारे के सारे प्रोटॉन निकाल के देखो, बाद में बनने वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखो, फिर उस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को लेके जाओ। आपको ऑर्गेनिक में सारी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, एक आध पे स्टिक नहीं करना। जितना आप पॉसिबिलिटीज़ बनाना स्टार्ट कर दोगे अभी अपने प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम के वक्त जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तब आपको 100% क्लियर होगा कि ये रिएजेंट यहीं पर जाके अटैक करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये आपको क्लियर बहुत अच्छे से होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरी मिस्टेक होती है, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते लोग, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बहुत ही जल्दी में रहते हैं, पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ की होती, बल्कि सफिशिएंट टाइम होता है, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है पर्टिकुलर ए रिएक्टिंग विथ बी, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होनी है। जैसे ग्रिनार्ड रिएजेंट दे दिया, एल्डिहाइड या कुछ किसी कार्बोक्सिलिक के साथ, तो आधे से ज़्यादा लोग ना पहले सब, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उठाएंगे न्यूक्लियोफाइल समझ के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करा देंगे। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एक माइंड मैप आपके पास होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी क्वेश्चन, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, और फिर आपको पूरा पेन चला के मैकेनिज्म के साथ करना है, वरना आप चाहे जितना पढ़ लो आप क्वेश्चन गलत करके ही आओगे। नहीं भरोसा है तो ट्राई करके देख लेना, खुद का ही लॉस करोगे। फोर्थ पॉइंट होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 99% ऑफ द स्टूडेंट्स टेम्परेचर को तो कंसिडर ही नहीं करते, दे आर लाइक वो तो फालतू दिया है, ऐसे ही दिया होगा। तो आप जैम 2021 का एक क्वेश्चन उठा कर देख लेना इस बार का, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक का क्वेश्चन था, पिरिडीन और पायरोल की रिएक्शन करा रखी थी उन्होंने, पिरिडीन की करा रखी थी, Br2 से करा रखी थी एंड मतलब 0°C पे, तो आधों से ज़्यादा क्या करके आएंगे ना, पिरिडीन की रिएक्शन करा देंगे थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा के, ध्यान ही नहीं देंगे कि 0° दे रखा है, कि काइनेटिक प्रोडक्ट बनाना है कि थर्मोडायनेमिक बनाना है। टेम्परेचर का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा कि अगर लो टेम्परेचर है तो काइनेटिक प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर है तो थर्मोडायनेमिक। जो ये इग्नोर करके आएगा वो नेगेटिव मार्किंग ज़रूर लेके जाएगा, ये गारंटीड है। और टेम्परेचर ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सारी रिएक्शन कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें जो एरो के ऊपर दिया होता है ना, एरो के ऊपर रिएजेंट दिया होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एरो के ऊपर लिखा है RmgX+Cu कॉपर, आधे से ज़्यादा ना बस तुरंत RmgX देख के अटैक करा देंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट समझ के, बल्कि ये RmgX+Cu आपका बनाएगा कोई और रिएजेंट गिलमान, वो सॉफ्ट अटैक कर रहा होगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एरो के ऊपर लिखा होता है वो अलग से रिएजेंट बन रहा होता है उनके रिएक्शन से, तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि कंडीशंस क्या क्या दी हैं, क्या क्या नहीं दी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट आता है हमारा खेला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शंस का खेल। ऑप्शंस ऐसी चीज़ हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको जिता सकती हैं। अगर MCQ और MSQ आया है, आप ऑप्शन से ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या आंसर नहीं होगा, क्या आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगर आप क्वेश्चन पे स्टक हो गए हो तो आप ऑप्शन से उल्टा इमेजिन करने की कोशिश करो,
मैं लिटरली कई लोग को ये मजाक लग रहा होगा, बट आप अगर ऑप्शन से उल्टा जाने की कोशिश करते हो या ऑप्शन से रिलेट करते हो कि ये रिएजेंट ऐसे करता है तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप ऐसे काफ़ी हद तक जा सकते हो, काफ़ी हद तक आप ठीक कर रहे होगे, काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं कि पेन उठा के चालू, बस पेन उठा के चालू क्वेश्चन सॉल्व करना चालू, दे डोंट इवन केयर अबाउट व्हाट द ऑप्शंस आर। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये 5 मिस्टेक्स काफ़ी समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी लाऊंगा। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सबसे बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट, क्लेडन शॉर्ट नोट, फ्री क्रैश कोर्स, हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो बने रहिएगा चैनल पर, ओनली ऑन केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।